बुधवार का दिन गुर्जर समाज के लिए एक विशेष महत्व का दिन रहा। इस दिन गुर्जर समाज ने न सिर्फ राजा मिहिर भोज की जयंती का उत्सव मनाया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम भी आयोजित किए। ऐसे ही एक कार्यक्रम का आयोजन अशोक विहार के वजीरपुर गांव में भी किया गया जिसमें 7 गांव ने भागीदारी निभाई और इसकी अध्यक्षता वजीरपुर गांव से विक्की खारी, मनोज बडाना, पुन्नी खारी, पवन खारी ने की। रामपुरा से प्रदीप खारी, अमित और मोहित खारी ने अध्यक्षता निभाई। तिहाड़ से राकेश नंबरदार और अनिल नंबरदार, चंद्रावल से कंवरपाल और धीरू भाई के अलावा जूटबाग से छतर सिंह, रोहताश बरसोया और विक्की बरसोया ने अध्यक्षता की। आज अपने समाज को अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस व राजा गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हम लोगों ने वजीरपुर गांव के चौपाल पर रामपुरा, वजीरपुर गांव, चंद्रावल, जुडबाग, बैरम खा, ख्याला और तिहाड़ गांव के माननीय लोगों के द्वारा आयोजित किया गया समारोह के तहत हमने अपने समाज में आगे बढ़ रहे युवाओं, बुजुर्गों, राजनेताओं और समाज सेवियों, बुद्धिजीवियों का सम्मान करा। मैं बस इतना कहूँगा कि जो आज गुर्जर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस के ऊपर सभी गुर्जर समाज व सभी जो भी क्षेत्र की जनता है उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज जो चक्रवर्ती सम्राट राजा मिहिर भोज की जयंती भी है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और मैं गुर्जर समाज के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ ये ऐसे ही समाज में तरक्की करते रहें, क्योंकि इन्होंने हर क्षेत्र के अंदर, चाहे राजनीतिक हो, दिल्ली पुलिस हो या कोई और डिपार्टमेंट हो, उस सब समाज में बहुत तरक्की की है। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ ये ऐसे ही तरक्की करते रहें। वजीरपुर गांव की चौपाल पर आयोजित इस कार्यक्रम में सभी दलों के नेताओं ने मंच साझा किया जिसमें प्रमुखता से विधायक राजेश गुप्ता, पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता, अनिल भारद्वाज, महेंद्र नागपाल, छतर सिंह के अलावा अशोक विहार वार्ड से निगम पार्षद योगेश वर्मा, निगम पार्षद राजीव यादव और पूर्व निगम प्रत्याशी और आपके वरिष्ठ नेता हरिंदर पाल सिंह काले भी मौजूद रहे। इस अवसर पर सभी ने गुर्जर समाज को इस आयोजन के लिए बधाई दी और समाज में उनकी सकारात्मक भूमिका को भी सराहा। अमित मल्होत्रा, FNI न्यूज ब्यूरो।